आदेश, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हालांकि अभी ये एक जज की तरफ से फैसला आया है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। पूरे 9 के 9 जज है, जब तक कि वो उनकी पूरा एक डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक कोई भी फैसला नहीं होगा। आशीष कुमार सिन्हा हमसे जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, ये जहां तक जस्टिस खेर का ये डिसीजन होगा कि निजता का अधिकार मौलिक है, आगे क्या होने जा रहा है बताइए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के दायरे में आता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक 2 जजमेंट आए थे, एक एमपी शर्मा का जजमेंट आया था और एक खड़क सिंह का जजमेंट आया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही संवैधानिक पीठ के जो फैसले थे उसको पलट दिया है और राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के दायरे में ला दिया है। केंद्र सरकार के लिए ये फैसला बड़ी मुसीबत बनेगा, क्योंकि आधार का जो भविष्य है इसी फैसले पर टिका हुआ था। आप सुप्रीम कोर्ट इस बात की सुनवाई करेगी कि आधार पे जो हमारे डाटे लिए जा रहे हैं वो कहीं राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन तो नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है। आशीष, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी, क्योंकि 9 जजेस की बेंच है और हमने तीन तलाक के मामले में देखा था कि पहले जज ने जब कहा तो हमने उसको ब्रेकिंग बना दिया, लेकिन जब बाकी जजों का निकल के आया तो वो कुछ और रिजल्ट निकल के आया। तो क्या ये 9 के 9 जजों का ये मानना है? क्या ये मेजोरिटी जजमेंट है आशीष? ये मेजोरिटी जजमेंट है शोभना, जो मैं आपको कह रहा हूँ, मेजोरिटी जजमेंट है। ये मेजोरिटी जजमेंट है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 9 जजों की पीठ ने ये बात कही है कि मौलिक अधिकार के दायरे में आता है, यानी राइट टू प्राइवेसी जो है वो मौलिक अधिकार है। 2 अलग अलग जजमेंट है, मैं बार बार उनका जिक्र करूंगा, जिसमें ये कहा गया था 1950 और 60 के दशक में 2 जजमेंट आए थे जिसमें ये कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उस जजमेंट को पलट दिया है, अब राइट टू प्राइवेसी जो है वो मौलिक अधिकार के दायरे में आ गया है। बहुत बड़ी खबर आशीष आप जो बता रहे, जो है वो मौलिक अधिकार के दायरे में आ गया है। बहुत बड़ी खबर आशीष आप जो बता रहे हैं हमें कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये मेजॉरिटी बेंच ने दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की खंडपीठ का। ये बड़ा फैसला आ गया है, ये देश के हर नागरिक से जुड़ा हुआ फैसला है और 9 जजों की सर्वसम्मति से ये कहा गया है। उसमें राइट टू प्राइवेसी को क्लियर कह दिया है कि ये जो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू प्राइवेसी वो 21 का पार्ट है, इसलिए ये भी एक फंडामेंटल राइट है। और जो पहले 8 जजेस की बेंच थी जिसमें 1954 में एमपी शर्मा ने होल्ड किया था कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, उस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। उसके बाद 1962 में जो दूसरी जजमेंट आई थी खड़क सिंह की, उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर दिया है, यानी कि 8 जजेस की बेंच और जो बाद में खड़क सिंह की बेंच दोनों को ओवर रूल करके आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने यह कह दिया है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। अब जो बाकी इश्यूज हैं, जैसे दूसरे इश्यूज होते हैं कि वो फंडामेंटल राइट जब होल्ड हो गया तो आधार कार्ड या जितने और भी इश्यूज हैं जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, तो उनमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगी तो वो वायलेटिव होगी, क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि गवर्नमेंट को यह राइट है इंटरफेयर करने का राइट टू प्राइवेसी में भी। लेकिन अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेटेड विद इन द पैरामीटर ऑफ आर्टिकल 21, इसका मानना ये हुआ कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी या इंस्ट्रक्शन या रूल या रेगुलेशन या एक्ट जो प्राइवेसी को इंटरफेयर करेगा वो स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी रूल रेगुलेशन जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करती हो तो दैट इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, वो वायलेटिव है। इसलिए क्योंकि आज तक फंडामेंटल राइट नहीं था तो राइट टू प्राइवेसी का हनन हो सकता था, लेकिन आज क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि यह फंडामेंटल राइट है, इसका मायना यह हुआ कि अगर राइट टू प्राइवेसी इंटरफेयर होती है तो वो धारा प्रोविजन को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। इसका आधार के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, आधार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी बायोमेट्रिक डाटा डिस्क्लोज हो जाता है, हालांकि पीछे ऐसे भी पता लगा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कुछ आपका प्राइवेट जो डाटा है वो वेबसाइट पे आ गया, तो इसका बेशक एक्सीडेंटली आया हो, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल का जो राइट टू प्राइवेसी है जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है वो वायलेट हो रहा था। हाँ। लेकिन अब ये वायलेट नहीं हो सकेगा, क्योंकि सबसे पहले डिसाइड करना ये था, क्योंकि जो एमपी शर्मा की जजमेंट थी 8 जजेस की वो ये कहती थी कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सिटीजन के लिए कि जब तक ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आएगा
तब तक इसकी वायलेशन तो होती रहेगी, क्योंकि संविधान में सिर्फ ये लिखा है कि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है। बट क्या ये कहना सही होगा दैट नाउ द सिटीजंस हैव द राइट टू नॉट गिव देयर बायोमेट्रिक डिटेल्स एज पर आधार बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट। हाँ, बाय इंसिस्टिंग दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट, इसीलिए जो आधार कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन रिलीज होनी है वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आने में इंडिविजुअल सिटीजन इसको डिनाई कर सकता है, मतलब इसको लिखने से मना कर सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, इसका हनन हो रहा है। हालांकि हो सकता है इंडिविजुअल राइट्स के लिए सेपरेटली बेंचेस बन के उसको डिसाइड करें, लेकिन जहां तक ताल्लुक है मेन पिटीशन का, जिसने ये चैलेंज किया था कि ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, और 9 जजेस की बेंच इसलिए बनी क्योंकि 8 जजेस का फैसला ऑलरेडी उलट था कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए आज बहुत बड़ी जीत है भारतीय सिटीजन के लिए कि फंडामेंटल राइट जब बन गया है तो उसके प्राइवेट राइट्स का हनन नहीं हो सकता। एक और सवाल, सरकार ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की इम्प्लीकेशंस बहुत मैसिवली इम्पैक्ट होती है अगर आप एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दे देते हैं, व्हाट इज योर रिएक्शन टू दैट? नहीं देखिए, अब जब 9 जजेस बेंच ने ये डिसाइड किया है कि ये फंडामेंटल राइट हो चुका है, इसीलिए जो गवर्नमेंट का देखिए कोई भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है या कोई भी दूसरा एक्ट है, उसके प्रावधान अगर आपकी राइट टू प्राइवेसी या फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं वो तो बात और है, लेकिन मान लो कोई अक्यूज है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ ऑलरेडी कोई कार्रवाई चल रही है, उसके प्राइवेट राइट्स अगर हनन होते हैं तो वो बात सेपरेट है, वो विद इन द पैरामीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट देखा जाएगा कि हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। आर के कपूर। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की खंडपीठ का फैसला आ चुका है और भारत के नागरिकों के हक में आया है, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एनके सिंह जी, एक बड़ा फैसला नागरिकों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। मैं जितना संविधान को समझ पाया हूं शोभना, मुझे लगता है कि अभिजात वर्ग की जीत है, गरीबों की बहुत बड़ी हार है। कैसे सर, ये बताइए। ये बहुत स्पष्ट है कि इसके बाद, क्योंकि मैं अभी वेट करूंगा, मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट दिया होगा जिसमें कि ऑपरेटिव पोर्शन इसका अभी देखना पड़ेगा कि रेशियो में क्या एग्जैक्टली है, इसको रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं जो मेन पार्ट ऑफ जजमेंट होता है, और जजमेंट से अलग हटके ऑडिटर डिक्टा होता है, रेशियो में अभी क्या क्या है ये देखना पड़ेगा। मुझे अभी भी नहीं लग रहा है और विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जजमेंट आया होगा, ये आया होगा इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बाद जो ऑपरेटिव पोर्शन होगा उसको देख के ही हम मुतमइन होंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जजमेंट है तो भारत के गरीबों के लिए, करप्शन के खिलाफ जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चल रहा था उसके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बहुत दूर तक करप्शन को खत्म करने में आधार का काम था, ब्लैक मनी जनरेशन कम हो रहा था। सर, और अगर ये ये भी तो हो सकता है कि आधार के लिए जो अभी 5 जजों की जो बेंच है उसमें कुछ एक सीमा तय की जाए। 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अगर कर दिया है तो 5 मेंबर उसी के उसमें फ्रेमवर्क में ही उसको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा और उससे अलग नहीं हट सकता। जैसे अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था, के वेणुगोपाल ने, कि निजता को पूर्णतः मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता, मगर इसके कुछ हिस्सों को मौलिक अधिकार के तहत मैं इसी का वेट कर रहा हूं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। चाहिए, ये सरकार ने एक रूम दिया था सुप्रीम कोर्ट को, तो हो सकता है कि सर जब डिसीजन आए, क्योंकि आएगा 400-500 पन्नों का, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोविजन दिए जाए और सरकार की ये जो आधार योजना, उसी का वेट कर रहा हूं, पूरा जजमेंट आ जाए, उसमें ऑपरेटिव पोर्शन रेशियो डेसिडेंडी पूरा पढ़ लिया जाए तभी समझ में आएगा। लेकिन अगर ये जजमेंट है और ये मुख्तसर सा इतना ही इसका ऑपरेटिव पोर्शन है कि अब वो राइट आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में इसको शामिल कर दिया गया है, तो ये अभिजात वर्ग के लिए, क्योंकि लग्जरी है, प्राइवेसी का नाम लेके आप लग्जरी में जा सकते हैं, ये अभिजात वर्ग का एक चौंचलेबाजी है प्राइवेसी। लेकिन अगर ये गरीबों को मिल रही थी इमदाद आधार के बेसिस पे, डिलीवरी बहुत फास्ट होने जा रही है। सिंह जी, आपको रोकूंगी, आशीष सिन्हा हमसे जुड़ गए। जी आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, एक बड़ी खबर है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसे माना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने इस फैसले को पढ़ा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट आए थे संवैधानिक पीठ के अलग अलग मसलों पर, एक खड़क सिंह का जजमेंट था और एक एमपी शर्मा का जजमेंट था। खड़क सिंह का जो जजमेंट था, दरअसल खड़क सिंह एक डाकू हुआ करता था और जब वो जेल से छूटा तो उसके पीछे सर्विलांस लगाया गया। ने पुराने जो फैसले थे जिसमें कहीं कहीं ये लिखा था कि भाई ये राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार नहीं है, उसको ओवररूल कर दिया, बोला है कि मौलिक अधिकार है। इसका ये मतलब है कि अब अगर
सरकार कोई कानून बनाती है, जैसे आधार का कानून बनाया है, जिसमें ये बोला है कि अभी तो ये बोला है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार नंबर देना होगा, इनकम टैक्स के लिए आधार नंबर देना होगा, ये तो एक बात है। इसको अब देखा जाएगा कि भाई ये एक रीजनेबल कानून है कि नहीं, जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके मौलिक अधिकार पर लगाता है। अगर मान लीजिए कल को सरकार ये बोले कि भाई आप जहां ट्रैवल करते हैं रेलवे रिजर्वेशन के लिए, एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए, आप जो खरीदते हैं उसके लिए भी आपको आधार नंबर देना होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास जाएगी, तो ऐसे कानून को अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके प्राइवेसी के मौलिक अधिकार पर माना जाएगा और उसको, मेरी राय ये है कि उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो आधार एक्ट है वो तो सिर्फ आधार को सोशल वेलफेयर स्कीम्स और इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स रिटर्न के लिए लाजमी किया गया है। ये छोटी खंडपीठ देखेगी, लेकिन मेरी राय में इसको जजमेंट डजंट से एनीथिंग अबाउट द राइट ऑफ, एटलीस्ट द जजमेंट दैट हैज बीन रेड आउट सो फार डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द राइट ऑफ सिटीजन्स नॉट टू शेयर देयर बायोमेट्रिक डिटेल्स। राइट नाउ इट अपियर्स that all that this nine judge bench has held is that this is a fundamental right under article 21 and therefore any law which is made to restrict this fundamental right will have to be examined on the touchstone of article 21, which means that the court will have to see whether that law imposes reasonable restrictions on your fundamental right to privacy or not. For example, if suppose the government were to tomorrow say that your Aadhaar card or your biometric identification will be required for your travel, for your purchases, etc., in my view that would be a totally unreasonable restriction on the right to privacy. However, so far as the present Aadhaar Act is concerned, it only requires the Aadhaar card to be used for social welfare schemes and the Income Tax Act requires it for income tax. Yes, हाँ, सरकार के लिए ये झटका है क्योंकि सरकार ने ये दलील दी थी कि ये मौलिक अधिकार नहीं है। आशीष, जिस तरह का ये फैसला आया है नागरिकों के पक्ष में है, हालांकि एनके सिंह सर कह रहे हैं कि पैसे वालों का ही इससे सिर्फ फायदा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेजॉरिटी से आपने बताया कि ये डिसीजन आया है, तो कितने वर्सेस कितने जज, कितने खिलाफ थे इसको मौलिक अधिकार मानने के और कितनों ने कहा, क्या कुछ इस तरह का अपडेट है आपके पास? देखिए, जो नौ जजों की पीठ थी सबने ये माना कि राइट टू जो प्राइवेसी है वो मौलिक अधिकार है, ये सबका एक मत का जजमेंट है। लेकिन ऐतिहासिक ऐतिहासिक इसका असर जो है कि सभी नौ के नौ जज इस बात पर सहमत थे। बिल्कुल, क्योंकि ये अनुच्छेद 21 के तहत इसे कवर किया गया है। देखिए, जस्टिस खेर ने इस फैसले को पढ़ा है, मैं बताना चाहता हूं कि कैसे फैसले की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के दो अलग अलग फैसले थे राइट टू प्राइवेसी को लेकर, यानी निजता के अधिकार को लेकर। पहला फैसला था खड़क सिंह का। खड़क सिंह के फैसले के बारे में थोड़ा बता दूं, खड़क सिंह एक डाकू हुआ करते थे, जब वो जेल से छूटे तो उनके पीछे सर्विलेंस किया गया, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि ये मेरे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठती है और उन्होंने कहा कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, लेकिन ये दायरा बेहद सीमित था। उसके बाद एमपी शर्मा के मामले में उनके घर पर सीज हुआ था, कुछ फाइलें जो थी उनको सीज किया गया था, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया और कहा कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन आज कोर्ट ने एक साथ, यानी नौ जजों की पीठ ने इस बात को माना कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो मौलिक अधिकार के दायरे में आता है। अब इसका असर जो है वो आधार कार्ड पे कैसे पड़ेगा, ये मैं बताता हूं। दरअसल जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं उस समय आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आपकी रेटिना ली जाती है, ये सारी चीजें ली जाती हैं।
तो जो आधार के खिलाफ जिन लोगों ने याचिका दाखिल की है उन्होंने कहा कि ये मेरे शरीर का अभिन्न अंग है, इसे बिना मेरी इजाजत के सरकार कैसे ले सकती है। हमारे साथ आंचल जुड़ रही है। आंचल, इस जो जजमेंट है इसका असर कैसे पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये होगा कि इसको ऐसे ना माना जाए कि ये ऑटोमेटिक ओवररूलिंग ऑफ आधार है या आधार में आधार के अभी जितने चैलेंज संविधान पीठ के सामने पेंडिंग पड़े हैं वो निरस्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले कोर्ट के फैसले का मतलब ये है कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। जिस सरकार ने आके कोर्ट में ये बोला था कि नहीं, प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं होता है, आपकी जजमेंट नहीं कहती है, वो ओवररूल हो गया। अभी तक जितनी जजमेंट ऐसा कॉन्ट्ररी व्यू देती थी वो ओवररूल हो गई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। अब इसका सेकंड पहलू आते हैं, आधार पर इसका असर ऐसे पड़ेगा। हालांकि आधार पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि आधार अपने आप में इलीगल हो गया या उसकी लिंकिंग इलीगल हो गई, वो केस टू केस बेसिस पे मामला चलेगा। लेकिन इसमें भी ये पहलू है, एक बहुत बड़ा बूस्ट वहां पर याचिकाकर्ताओं को मिल जाता है जिन्होंने ये कहा कि हम बायोमेट्रिक्स नहीं देना चाहते, ये हमारी बॉडीली इंटेग्रिटी को वायलेट करता है। तो वो जितने भी पहलू हैं अब वो इंडिविजुअल बेसिस पर डिसाइड होंगे और वो एक छोटी बेंच डिसाइड करेगी और इस जजमेंट को आधार बनाया जाएगा उन आगे के फैसले। केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका इसे माना जाए? माना जा सकता है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज आधार के आए थे, क्योंकि ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हुआ था वो दरअसल रेफर ही हुआ था आधार के पर्सपेक्टिव में, बैकड्रॉप में 2012 में वो आई थी याचिका यहाँ पे और उस वक्त यूपीए सरकार थी। तो यूपीए एनडीए दोनों ही सरकारें रही हैं, लेकिन जो एनडीए के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी थे उन्होंने ही अचानक से ये डिबेट छेड़ी थी कि फंडामेंटल राइट ही नहीं है प्राइवेसी का। यानी कि उसके ऊपर ग्रे एरिया ये खड़ा हो गया कि सरकार किस हद तक आशीष सिन्हा, आंचल आनंद या हमारे जितने दर्शक हैं उनकी जिंदगियों में दखल दे सकती है, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। तो वो डेफिनेशन, परिभाषा देना बहुत जरूरी हो गया था। अब इसका इम्पैक्ट और भी होगा, इम्पैक्ट सिर्फ आधार पर नहीं होगा, डेटा शेयरिंग जिस तरह से होती है, व्हाट्सएप वाला जो अगर मामला अगर हम देखें जिसमें डेटा शेयरिंग की बात है उस पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, अगर आप अपना डेटा कहीं पर शेयर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जिस पर्पज के लिए, मान लीजिए आपने डॉक्टर को भी, और खासतौर से जैसे आप जानते होंगे कि जो एड्स के पेशेंट्स हैं या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके पेशेंट्स हैं, या फिर लॉ एक क्लाइंट प्रिविलेज है, तो एक स्टेट के अगेंस्ट प्राइवेसी का कानून है, एक जो आपकी इंडिविजुअल आप डिटेल्स देते हैं प्राइवेसी का कानून है एक जो आपकी इंडिविजुअल आप डिटेल्स देते हैं प्राइवेसी का कानून है। लेकिन प्राइवेसी तब मैटर करती है कि आप कि जिस पर्पस के लिए दिए जा रही है आपकी डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आधार की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर आ रही है, एक मुक्त आ रही है, उसकी क्या सिक्योरिटी सिस्टम है, उसका क्या इस्तेमाल हो जाए वो किसी को नहीं पता। कहा यह जाता था कि ये बेनिफिट्स ट्रांसफर करने के लिए और लीकेजेस रोकने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि आधार की सुरक्षा में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर सारा डेटा एक जगह पे हो जाएगा तो कौन उसकी गारंटी उठाएगा कि वो आज नहीं तो कल तो कहीं पर भी हैक हो सकता है। तो ये एक मसला था। लेकिन एक और इसका पहलू ये है कि होमोसेक्सुअलिटी की डिबेट में, क्योंकि सेक्शन 377 को सुप्रीम कोर्ट तक इलीगल करार दे दिया गया, अब 377 देखा जाए तो वो एक बहुत ही पर्सनल इन नेचर डिबेट है, और जो होता है वो बेडरूम में होता है, तो अब वो पूरी डिबेट खुल जाएगी, हम बहुत जल्द देखेंगे। हालांकि क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है, उसकी क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है और अब ये उसमें आधार एक और जुड़ जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, क्योंकि प्राइवेसी उसमें भी आर्ग्यूमेंट ली गई थी, उसमें प्राइवेसी की जब आर्ग्यूमेंट ली गई थी तो ये कहा गया था कि हम विदेशों में जिस तरह की प्राइवेसी है उन परिभाषाओं से नहीं चल सकते, यहाँ पर इस तरह का नहीं है मामला। लेकिन अब क्योंकि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो गया है तो वो भी डिबेट एक बार फिर से खुल जाएगी, और क्यूरेटिव में ये ग्राउंड और जोड़ा जा सकता है, और इसको एक दूसरी बेंच को ओपन कोर्ट की हियरिंग में रेफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मेरी आवाज आप सुन सकते हैं? आशीष, आपको रोकूंगी। एनके सिंह जी, आंचल सवाल लेना चाहते हैं, वो आप प्लीज सुने। आंचल, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या रेशियो पूरा जजमेंट का आपने देख लिया है? मुझे अभी भी लग रहा है कि ये कैटेगराइज करेंगे कि प्रिवेसी में भी दो तीन कैटेगरी जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही थी, सजेस्ट किया था लास्ट डे को, मेरे ख्याल से इसको रोकने के लिए, क्योंकि देखिए आधार 6300 करोड़ रुपए लग चुके हैं आधार में, और एक बड़ा बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम डिलीवरेबल्स फास्ट कर देंगे, तो एक बड़ी चीज है जो करप्शन को इरेडिकेट करने में कामयाब हो सकती है। तो क्या अभी आपको लग रहा है कि जजमेंट अपने आप में पूरी तरह से आ गया है, या कोई राइडर हो सकता है कि प्राइवेसी में भी आप एक पर्सनल प्राइवेसी रखें
जो हाईली इंडिविजुअलिस्टिक हो, जो बेडरूम तक जाता हो, और एक दूसरा हो जिसमें कि आधार के बायोमेट्रिक डिटेल्स को आप अगर बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं समाज के, तो वो बहाल रहेगा। ऐसा कुछ लग रहा है आपको इस पे? जैसे जैसे जजमेंट आगे आएगा तो हमें उसमें कोई पोर्शन ऐसा मिले? अच्छा जी, एमके सिंह जी सवाल पूछ रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी का ये जजमेंट है, पहला तो 9 जजे का सबका अपना फैसला है, एक साथ का ये लिया गया फैसला, और क्या इसके कोई दायरे सीमित किए गए हैं इसमें? देखिए, ये जो ऑर्डर प्रनाउंस किया गया वो 4 लाइनें कुल प्रनाउंस की गई हैं। ये एक हिस्टोरिक जजमेंट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प फैक्ट है जो अभी अभी मुझे एक वकील ने बताया कि शायद ये इतिहास में पहली बार फंडामेंटल राइट की इंटरप्रिटेशन के लिए 9 जज की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो निजता का अधिकार उस श्रेणी में अगर देखा जाए तो इट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री, क्योंकि इससे पहले जब 11 या 13 जजों की बेंच जब कॉन्स्टिट्यूट होती आई है वो अक्सर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उस हिसाब से हुई है। फंडामेंटल राइट की इंटरप्रिटेशन, वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है, इसके लिए 9 जज की बेंच थी। जाहिर तौर पर जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था कि एक वो फैसला है जिसमें मल्टीपल जजमेंट होंगी, क्योंकि आप और मैं किसी चीज को लेकर अग्री करें तो जजों के लिए भी सेम है, हम अग्री कर सकते हैं, कंक्लूजन पे अग्री कर सकते हैं, लेकिन हमारे कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो जो देखने को मिला ऐसा लग रहा था कि 6 से 7 इंडिविजुअल जजमेंट्स हैं, वो कितना एग्री कर रही है डिसएग्री कर रही है उसको लेकर भी एक ग्रे एरिया है। हमने पूछने की कोशिश की, हमें जवाब नहीं मिला, लेकिन ये तय है कि जो कंक्लूजन दी गई है उसमें ये कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का जो अधिकार है, वो संविधान के तहत जो आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, उसका हिस्सा है। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लगातार डिबेट करने के बाद राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के स्तर पर लाकर नहीं खड़ा किया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच को लगता है कि वक्त बदल गया है। 70 सालों में वक्त बदल गया, वक्त बदल गया है, टाइम्स ऐसे हो गए हैं। और ये आशीष नहीं, ये निशानी है। विकसित देशों में राइट टू प्राइवेसी होता है, विकासशील देशों में ये सरकार ने खुद बोला कि देखिए आप बताइए, एक तरफ राइट टू लाइफ है उन लोगों का जो गरीब लोग हैं, 270 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको खाना मुहैया नहीं है, तो हम उनको देखें या राइट टू लाइफ और प्राइवेसी की बात करें? क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता उन लीकेजेस को रोकने की है, सरकार की तरफ से बाकायदा ये दलील दी गई। तो आज क्या देश की सबसे बड़ी अदालत ने हमारे देश को इतना विकसित मान दिया? और वो वक्त आ गया है कि भले ही इस देश में टॉयलेट्स कम हो लेकिन लोगों के हाथ में व्हाट्सएप है, ऐसे में उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एक बात और है आंचल, कि लोग अपने अधिकारों के बारे में अब ज्यादा जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, कि उनके अधिकार क्या है, राइट टू प्राइवेसी उनकी क्या है? बिल्कुल जानेंगे और जानना भी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर किसी मॉल में भी जाते हैं, छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं, अपना फोन नंबर दे देते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम, अपनी बर्थ डेट्स वगैरह दे देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा हमारा डेटा है जो सर्कुलेट कर रहा है अलग अलग जगहों पे। अब मुझे लगता है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट होना, देखिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने दे दिया है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि सरकार को भी इस पर लेके कानून आना चाहिए, क्योंकि मेरा नंबर, मेरा अपना फोन नंबर जैसे डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है, इसके बावजूद सुबह से लेकर रात तक मेरे पास दुनिया जहां के SMS आते हैं, अनसॉलिसिटेड कॉल्स आती हैं, जिन पर कोई रोकथाम नहीं है। तो ये भी मेरे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेसी का उल्लंघन बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ये बड़ी कंपनियां लेती हैं, बात सिर्फ आधार की नहीं है। अगर ये मेरा फंडामेंटल राइट है तो इसको एनफोर्स कराना अब से सरकार का काम होगा, सरकार को कानून लाना होगा, उन लोगों पर नकेल कसनी होगी जो मेरा और आपका राइट टू प्राइवेसी वायलेट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन आशीष यहाँ तो सरकार के ऊपर ही इल्जाम है, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो सरकार की योजना है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर रितु भारद्वाज, लॉयर, सुप्रीम कोर्ट भी जुड़ गई है। रितु जी, आप कैसे देखती हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, क्योंकि सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है? 2012 में ये शुरू हुआ था और ये जब केस आया था तो यही माना गया था कि सब लोग ये जानना चाहते थे कि राइट टू प्राइवेसी में इसको इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं। अब आज जब 9 जजेस का बेंच ने एक जजमेंट दिया है, पास किया है कि ये मानना चाहिए, तो ये एक माना जाए तो एक तरह से ठीक है, क्योंकि एक राइट टू प्राइवेसी में एक उल्लंघन तो था ही, क्योंकि आप देखिए कहीं भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कहां तक जा रही है। पर उसी की तरह से अगर देखा जाए कि गरीब लोगों के लिए कितना हम एक उसके वजह से हेल्प हो सकती थी, दोनों तरह से देखा जा सकता है। पर फिलहाल के लिए अगर राइट टू प्राइवेसी में अगर देखा जाए, इसको माना जाए कि इसको इंक्लूड किया गया है, कि इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, एक सोशल वेलफेयर की तरीके से हम सिर्फ इसको इस्तेमाल करें, तो ये शायद 9 जजेस बेंच ने अच्छा एक जजमेंट पास किया है।
अश्विनी जी, जिस तरह से बैंक में ये तो आरबीआई की गाइडलाइन आ चुकी है कि आधार के साथ सारे डेटा को जोड़ा जाए, आपके पास सारा डेटा भी है और बहुत काम आगे भी बढ़ चुका है, और अब इस तरह का अगर फैसला आ जाता है तो किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं अब आपको इस फैसले को देखते हुए? मुझे लगता है कि ये जो एक योजना है सरकार की, उसमें एक रुकावट आएगी, लेकिन जैसा अभी चर्चा में आ रहा है कि एक और खंडपीठ है 5 जजों की, वो इसके बारे में, आधार के बारे में कुछ फैसला लेने वाली है। मुझे लगता है उस फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले। एनके सिंह जी, जिस तरह से आंचल हमें बता रही थी कि 9 जज हैं और सबका जो डायरेक्शन, जो दिशा हो सकती है फैसले की, वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि सब एक चीज पर कंक्लूड कर गए हो, लेकिन पॉइंट ऑफ जो कंक्लूजन है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप उम्मीद अभी भी लगाए हुए हैं? इसमें शोभना कोई कन्फ्यूजन नहीं है, प्वाइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो बहुत क्लियर है कि निजता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार हो गया और आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का एक्सटेंशन करके इसको भी उसमें शामिल कर लिया गया। जैसे कुछ समय पहले आपको याद होगा कि इसी लिबर्टी में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, इसको इंक्लूड किया गया था। तो सुपर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से एक्सटेंशन होता है और उसके बाद ये कर दिया जाता है, आज एक बड़ा ऐतिहासिक है। लेकिन देखिए, आप आंचल को लें, शोभना को लें, एनके सिंह को लें, यहां जितने भी बैठे, ये दिल्ली में बैठे अभिजात वर्ग हैं जिनकी तनख्वाहें भी ज्यादा हैं, जिनको चिंता मोबाइल फोन के डाटा हैकिंग की होती है। ये बड़ा, बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, एक बड़ा वर्ग है जो कई मतलब करोड़ों का है, जो पेट रोटी नहीं खा पाता है और करप्शन की वजह से जो रोटी पहुंचती भी है वो वहां नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ह्यूमन कंपोनेंट ज्यादा होते हैं। तो डिलीवरी के प्रोसेस में जो ह्यूमन कंपोनेंट है वो डिलीवरेबल्स को खींच लेता है और उस गरीब आदमी की आवाज कहीं नहीं पहुंच पाती है। ये जो आधार था, इसने कुछ नहीं किया था बाय प्रोसेस ऑफ कैश बेनिफिट, जिसको हम डायरेक्ट कैश बेनिफिट कहते हैं, वो डिलीवरेबल्स को कैश के फॉर्म में वहां पहुंचाने का की एक प्रक्रिया थी और करप्शन फ्री ये प्रोसेस होता। तो उसको रोटी मिलती, रोटी अनाज के शक्ल में मिल सकती है, कैश के शक्ल में मिल सकती है। तो उस गरीब की नजर से जब आप सोचिएगा, अभिजात के वर्गीय कंसेप्शन से, बहुत बड़ी बात है। विकासशील देशों, विकसित देशों में जैसे जैसे डेमोक्रेसी ग्रो करती है तो ह्यूमन सेंसिबिलिटीज बढ़ती है और स्टेट का मिनिमल रोल माना जाता है, तो उसके लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन उस गरीब को, जो भारत में बहुत बड़ा वर्ग है, जो कि अभी रोटी भी शाम को नहीं खा पाता है, और ऐसा वर्ग करीब 22 करोड़ है जो कि शाम को 1 जून का खाना नहीं मिलता है, उसके लिए यह प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि इस जजमेंट का जो फॉल आउट होगा, जो 5 मेंबर बेंच डिसाइड करने जा रही है, वो इसी के लाइट में देखेगी, कोई एडिशनल उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती, लिमिटेड स्कोप उसके पास होगा 5 मेंबर बेंच के पास, जिसमें जस्टिस केयर भी है जी। तो जब वो डिसाइड करेगी, हालांकि वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब उस आधार का फेट क्या रहेगा। आंचल, शोभना, एनके सिंह, हम अभिजात वर्ग के हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी निजता प्राइवेसी को हम जानते हैं और सरकार से लड़ सकते हैं, हमारे में कुवत है। लेकिन वो जो गरीब आदमी जिसके पेट में रोटी नहीं जा रही और डिलीवरेबल्स को फास्ट तेज पहुंचाने के लिए करप्शन फ्री प्रोसेस से, उसके लिए आधार की जरूरत थी, आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक सही जगह पहुंचे, इसके लिए एक बहुत बड़ा वो था। और ब्लैक मनी का जो जनरेशन था वो काफी हद तक रुक रहा था। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैं कहूंगा कि गरीब आज हार गया, अभिजात वर्ग की जीत हुई है। आंचल, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से 22 याचिकाएं थी और आज इतिहास रच दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, नागरिकों के पक्ष में ये फैसला आया है, याचिकाकर्ताओं से क्या आपकी बात हुई, वो किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? और आधार, जाहिर सी बात है, हर नागरिक का बहुत बड़ा कंसर्न वो भी है, क्योंकि सरकार के 6,300 करोड़ रूपये लग चुके हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे ही टैक्स का पैसा है, तो क्या किसी से बात हुई, आपकी क्या अपडेट है उस बारे में आपका? नहीं शोभना, मैं एक थोड़ी सी चीज, मुझे लगता है कंफ्यूजन की स्थिति है, वो क्लैरिफाई करना चाहूंगी वंस एंड फॉर ऑल। नंबर एक, जो सुप्रीम कोर्ट की ये 9 जज की बेंच है, उन्होंने जो राइट टू प्राइवेसी, मौलिक अधिकार है या नहीं है, उसके क्या पहलू हैं, सिर्फ उस पर फैसला सुनाया है जी। आधार के ऊपर ये फैसला नहीं है। वो तो 5 जजों की खंडपीठ अलग है, बेंच के बाद जाएंगे बाद में जी, जी जी बात पूरी करने दे प्लीज जी। दूसरी बात ये आ जाती है कि आधार के ऊपर जिस तरह से मुझे एक छोटा सा मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एनके सिंह सर से, कि ये सरकार की तरफ से जरूर दलील दी गई कि एक तरफ हमारे पास एनके सिंह सर और आंचल आनंद के राइट टू लाइफ और प्राइवेसी हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो
तो बहुत से लोगों की राइट टू लाइफ है, एक तरफ हमारी राइट टू प्राइवेसी वर्सेस बहुत से लोगों की राइट टू लाइफ है, तो मैं ये कहूंगी कि इसको ऑटोमैटिक आधार में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट नहीं देखा जाना चाहिए। इसको ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि आधार केस के अंदर सरकार की हार हो जाएगी। यहाँ पे ये देखना होगा कि वहां पर राइट टू प्राइवेसी अपने आप में दलील है, लेकिन आपको जान के शायद हैरानी होगी कि खुद सरकार ने हलफनामों में ये बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की पीठ थपथपाई है कि जी अब आंकड़े शो कर रहे हैं कि आपने जब से आधार को ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स को लिंक किया है लीकेजेस कम हुई हैं। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है और पीठ थपथपा रहा है सरकार की कि आधार से लिंक करने के बाद लीकेजेस कम हुई हैं, तो ये क्या पूरी तरह से अवैध करार दे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो अलग मसला है। हमें इसे कई कैटेगरीज में देखना होगा। राइट टू प्राइवेसी का जब मुद्दा उठा था वो इसलिए उठा क्योंकि सरकार ने अचानक से सबसे बड़ी अदालत में ये कह दिया कि फंडामेंटल राइट है ही नहीं, तो आधार के अंदर ये सवाल ही नहीं उठते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं फंडामेंटल राइट है या नहीं है, इसको लेके कैटेगरी ऑफ जजमेंट्स है। तो अभी जो पहला स्टेप हुआ है जिसमें राइट टू प्राइवेसी हम सबकी जरूरी है, ग्रेटर गुड के लिए जो अभी बड़ा वेग कॉन्सेप्ट है, हम अपनी राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार सैक्रिफाइस कर दें और कल को क्या हो क्या ना हो, क्या सरकार हमारे घर तक घुस आएगी, सर्वेलेंस शुरू कर देगी, फोन टैपिंग विदाउट अ रीजन शुरू कर देगी, ये सारे बड़े खतरे थे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उस बड़े पहलू पर आया है, एक लार्जर क्वेश्चन पर आया है। जहां तक आधार का सवाल है वो कई सवाल है, सिर्फ एक राइट टू प्राइवेसी दलील नहीं है, वहां पे और भी कई दलीलें हैं, वो भी आएगा। हमारे साथ कपूर साहब है इस मामले में, वो भी जिरह करते आए हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पैनलिस्ट और तमाम दर्शक भी, कि सुप्रीम कोर्ट का अब जो फैसला आया है वो राइट टू प्राइवेसी के लार्जर क्वेश्चन पे आया है। आधार से लिंक जितने चैलेंजेस हैं उसमें एक ऑटोमेटिक डिफीट ना मानी जाए कि आधार के अगेंस्ट जितने चैलेंजेस हैं वो जीत गए, क्या ये इंटरप्रिटेशन? नहीं, देखिए अभी तक इशू ये था कि राइट टू प्राइवेसी अपने आप में फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे संविधान के हिसाब से अगर कोई आपका राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, अगर वो वायलेट हो रहा है तो उसके लिए आप रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, ना तो हाईकोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, चैप्टर 3 में, जब तक ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं होता। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया विद इन द पैरामीटर्स ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसका मैंने ये हुआ कि जब अपने आप में ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हो गया है तो राइट टू प्राइवेसी वैसे तो बहुत ब्रॉड है, इसको सम एक्सटेंड में कहा जा सकता है, यहाँ पर यह फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हो गया है तो राइट टू प्राइवेसी वैसे तो बहुत ब्रॉड है, इसको सम एक्सटेंड में कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप उसमें ऐसे पैरामीटर, मान लो गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है जिसमें आपसे माइनर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो माइनर इन्फॉर्मेशन देने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होती जो कि प्राइवेट हैंड्स में लग के आपको मतलब मिस यूज किया जा सकता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप नहीं देना चाहोगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आप देने के लिए मना कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उसके लिए जजमेंट आज इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ये प्रूव कर पाते हो कि ये आपकी राइट टू प्राइवेसी के पैरामीटर्स में आता है तो वो अगर आपको राइट गवर्नमेंट वो बेनिफिट नहीं देती इस ग्राउंड पे कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो वो चैलेंज कर सकता है। ये बहुत सारी तकनीकियां हैं, लेकिन एक आम सवाल जो हमारे दर्शकों के जहन में होगा, व्हाट्सएप के ऊपर मॉल के अंदर दुकान में हम अपना फोन नंबर देते हैं, हम उस दुकानदार को देते हैं, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक पर्पज के लिए दी जाती है, तब भी मेरा प्राइवेसी का राइट फिर वायलेट होता है जब वो सर्कुलेट हो जाती है या लगातार फोन आने शुरू हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए मैंने हॉस्पिटल में कोई इन्फॉर्मेशन दी वो दूसरे के हाथ में लग गई, केमिस्ट के हाथ में या रिसर्चर्स के हाथ में वो मिसयूज हो गई, तो जब वो वेब हमारे देश में जैसे बड़ी कॉमन सी चीज है इस तरह का होना, तो राइट टू प्राइवेसी मेरा वायलेट होगा, सीधा कोर्ट आ जाइए क्योंकि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? नहीं, देखिए उसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि आप वॉलंटरीली आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इवन इन गवर्नमेंट स्कीम, मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम ऐसी है जिसमें आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं और वॉलंटरीली दे देते हो तो, लेकिन उसी पर्पस के लिए उसी काम के लिए दी जाती है, हमारा डेटा लीक जो होता है सर्कुलेट होता है वो एक तरह से अपराध? नहीं, देखिए उसमें दो पहलू फिर आएंगे। पहली बात तो ये कि अगर फंडामेंटल राइट है तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ होगा है, अगर कोई प्राइवेट पार्टी है आपका उसका राइट को वायलेट करता है तो आप इंडियन पिनल कोड में भी जा सकते हो, दूसरे धाराओं में भी जा सकते हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जा सकते हो, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, फंडामेंटल राइट का मेन ताल्लुक है कि गवर्नमेंट के एनफोर्सेबल आचल जी, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, हम फिर लौट के आपके पास आएंगे, फिलहाल यहां हमें रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइए।